नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 27 मार्च 2023 सोमवार का दिन है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष आज षष्ठी तिथि है। नक्षत्र आज है रोहिणी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर 12:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 5:53 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि पे। आज का जो अशुभ समय होगा तकरीबन शाम 3:59 से लेकर 4:53 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि को आज रचेंगे नया इतिहास। आज आपके कई प्रमुख कार्य पूरे होंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि को आज माता के छठवें स्वरूप की पूजा की जाएगी। चूंकि समय चैत्र नवरात्रि चल रही है, इसलिए मिथुन राशि को विधि विधान से माता की पूजा आराधना करके दिन की शुरुआत करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक छोटा सा गुप्त उपाय जरूर करें, आपको लाभ होगा। नवरात्रि में माता को आप एक लाल पोटली में एक मुट्ठी धनिया रखकर माता को अर्पित कर दें, और नौवें दिन इसको आप किसी कहीं यानी कि अपने धन के स्थान पे या फिर अपनी तिजोरी पर रख दें तो धन की बारिश होगी। और घर से निगेटिविटी दूर करने के लिए पूरे घर में धनिया का छिड़काव कर दें तो घर से निगेटिविटी एनर्जी दूर होगी, माता की कृपा बरसेगी। तो मिथुन राशि को इस समय चैत्र नवरात्रि भी चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा शुभ समय है। दोस्तों, आपके कई प्रमुख कार्य बनेंगे। मिथुन राशि को बता दें कि आज विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, और एक से नहीं बल्कि एक से कई कई जगहों से धन के स्रोत नजर आएंगे। और जो लोग बिजनेस व्यापार में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और खुशियाँ प्राप्त होंगी। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आज आपको मिथुन राशि को कई बड़े प्रमुख कार्य करने का मौका मिलेगा, अधूरे कार्यों को करने का मौका मिलेगा। साथ ही आज प्रेम प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। प्यार और रोमांस के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, काफ़ी वक्त निकालेंगे अपने पार्टनर के लिए, उनके साथ घूमते फिरते नजर आएंगे। सरकारी संगठन से लाभ होगा। बेरोजगार जातकों के आज रोजगार के योग बन रहे हैं, नई जॉब लग सकती है, और अगर पहले से जॉब लगी है तो ट्रांसफर प्रमोशन ये सारी चीज़ें आपको मिलती नजर आएगी। आपके करियर में सुधार हो रहा, पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बता दें कि आज सरकारी संगठन से लाभ होगा, सरकार की तरफ से कोई काम करने से सरकार से कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं, कई बड़े मामलों में शुभ समाचार मिलेंगे। अभी तक अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी या फिर बिजनेस व्यापार में सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो निश्चित तौर पे आज बहुत अच्छी खबर मिलेगी, बहुत ही अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि आज आपको कई बड़ी अच्छी खबर मिलेंगी। कई बड़े क्षेत्रों में रचेंगे नया इतिहास, आज करियर बिजनेस व्यापार में रचेंगे इतिहास। साथ ही बता दें कि घर में संतान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहेगा, और आज यात्राओं के योग बनेंगे, सुनहरे मौके यानी मिलेंगे आज कुछ भी करने के लिए। आज आपका दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आपके ऊपर माँ भगवती कृपा बनी रहेगी, कई कार्य अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। साथ ही साथ बता दें कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सफलता प्राप्त होगी, साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, घर परिवार में भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। और जैसे काफ़ी समय से कोई कार्य अटका हुआ था, वो कार्य बनेगा। जमीन प्रॉपर्टी अगर काफ़ी समय से जो बेचना चाह रहे थे या घर बेचना चाह रहे थे और नहीं बेच पा रहे थे, वो उसमें सफलताएं मिलेंगी, कई बड़े कार्य बनेंगे, कई बड़े कार्यों में सफलताएँ मिलेंगी, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पर इस समय आपके कार्यक्षेत्र काफ़ी बेहतर होंगे, लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार सफलताएँ प्राप्त होंगी, प्रत्येक कार्य आसानी से बनेंगे, लंबे समय से पेंडिंग काम भी पूरे होंगे, आपके आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के कई जरिया मिलेंगे, कई प्रमुख कार्य बनेंगे, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और अधूरे कार्य भी पूरे होते नजर आएंगे। जो कार्य काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे या फिर यूं कहें कि जिस कार्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप चिंतित थे, वो कार्य भी बनेगा, महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। घर में आपको बड़ी जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जमीन प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं, कार्यों में चली आ रही परेशानियाँ दूर होगी, इनकम की बढ़ोतरी होगी, उच्च अधिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा आज के दिन।
आज किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उठना बैठना हो सकता है, लंबे समय से अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। आज आपके मन में कई प्रकार की कामयाबी, जो पहले से आप सपने देख रहे थे, वो सपने साकार होते नजर आएंगे। आज आपके घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन होगा। जो अविवाहित जातक है, जिनके विवाह में देरी हो रही थी, उनके लिए नए रिश्ते आएंगे। घर में खुशियाँ छाई रहेंगी। संतान प्राप्ति के प्रबल योग भी बन रहे हैं। संतान की तरफ से कोई उपहार और गिफ्ट मिल सकता है, कोई बेहतरीन अवसर यानी प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होगा। एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी लगन बनी रहेगी। प्रेम जीवन में खुशियाँ, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव पार्टनर कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे। उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। और अभी तक जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, वो दूर होंगी। एक दूसरे का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग काम पूरे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। शिक्षा में कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा। एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ आज जिनका एग्जाम चल रहा है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। एग्जाम की जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनके लिए बेहतर होगा। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपको, जैसे कि चोट पैर वगैरह में न लग जाए, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि आपके कामों में गति बनी रहेगी। कई प्रकार की परियोजनाओं में आप काम कर रहे हैं, उसमें लाभ होगा। अगर यात्रा करते हैं तो अपनी कीमती चीज़ की देखरेख जरूर करें। यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि कई मामलों में आपको बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। कई मामले ऐसे हैं जो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से आपके नहीं पूरे हो रहे थे, वो भी पूरे होंगे। महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रत्येक कार्य आसानी से बनते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से पेंडिंग काम को भी पूरा करने का मन बना सकते हैं। कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। कुछ लगातार आपकी आय बढ़ सकती है। आमदनी में भी लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक सफलताएँ प्राप्त होंगी। कुछ महत्वपूर्ण यानी कि सफलताएँ अर्जित करने का मौका मिलेगा। धन संपत्ति का लाभ होगा। कार्यों में सफलताएँ प्राप्त होंगी। प्रेम जीवन में खुशियाँ, एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होगा। और अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो दूर होगी। घर के लिए समय ज़्यादा ज़्यादा निकाल पाएंगे और आज खूबसूरत लम्हे गुजारेंगे। आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ी खबर मिल सकती है। और साथ ही साथ कई बड़े मामलों में रचेंगे नया इतिहास। कई अच्छे योग बनेंगे। जो कुछ भी अधूरे कार्य थे, जो भी पेंडिंग काम थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। कामयाबी देखकर दुश्मन भी जल उठेंगे। विरोधियों को मात देंगे। कोर्ट कचहरी में विजय हासिल होगी। कई बड़े कार्य कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर भूरा कलर। और भाग्य साथ निभा रहा तकरीबन आपका 93% है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिएगा, जागेंद्र मिश्रा 07 पर। जय शनिदेव।